अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी अदम तशद्दुद का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में पाकिस्तान की आलमी और बैन अल-अक़वामी तंजीमों ने अदम तशद्दुद के हवाले से अपने पैगाम जारी किए। इसी हवाले से लीगल राइट्स फोरम के नुमाइंदे इशफाक अकबर खासकेली ने पैगाम जारी करते हुए कहा कि किसी ज़ात, नस्ल और सकाफत का फ़र्क किए बगैर ही हम अपने माशरे में अमन कायम कर सकते हैं, नौजवान माशरे में अमन कायम करने के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अपने ख्याल का इजहार कुछ इस तरह से किया। For peace, mutual respect, and the essential dignity shared by everyone. If we are facing growing conflict, poverty, hunger, and debating inequality, racism, and rising hate speech, we can defeat these challenges by working across culture and borders to build a better, more peaceful future for all. Youth can perform very important and vital role to promote a peace in the society. So let's make a promise with yourself that let us walk this path together in solidarity as a human family. Thank you. Aman Zindabad, Pakistan.